राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी आज कबीरपुर पधारने वाले हैं और जिसका इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। हमारे साथ कई कार्यकर्ता हैं, हम जरा बात करना चाहेंगे कि हमारे साथ में बड़े भैया हैं। बड़े भैया, पूर्व विधायक, विधायक जी जरा बताइए किस तरह से इंतजार हो रहा है अखिलेश जी का? बहुत ही बेसब्री के साथ इंतजार हो रहा है। 2022 शुरू हो गया है, कितनी जल्दी चुनाव की घोषणा हो, जनता बिल्कुल चुनाव के लिए तैयार है। जैसे 2022 में समझ लीजिए हर पार्टी का एक बड़ी मुद्दा है, तो अपने पास किस मुद्दा लेके चुनाव ग्राउंड पे? समाजवादी पार्टी के जितने भी काम हुए हैं अब तक समाजवादी पार्टी की सरकारों में, वो अपने आप में बेमिसाल हैं। आज उन्हीं को सारी पार्टियाँ अपने अपने राज्यों में अपना रही हैं। समाजवादी पार्टी का मॉडल जो है दूसरी पार्टियाँ अपना रही हैं, वो चाहे दवाई का इंतजाम हो, चाहे पढ़ाई का इंतजाम हो, चाहे सिंचाई का इंतजाम हो, सारी योजनाएं जो अखिलेश यादव मुलायम सिंह ने पिछली सरकारों में लागू की थी, आज वो सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। ये आपने सुने होंगे कि इस बार किसी भी कीमत में किसी भी हाल में बीजेपी बिल्कुल पाना मतलब खत्म होने वाली है, क्योंकि बीजेपी का कमल आपके बार खिलने वाली नहीं है, क्योंकि समाजवादी कार्यकर्ता यहाँ बड़ी बड़ी जोर शोर से उत्साहपूर्वक यहाँ नजर आ रहे हैं और कुछ ही समय बाद कबीरपुर अखिलेश यादव जी पहुँचने वाले हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, मुद्दा अगर देखा जाए तो समाजवादी के पास वही पुरानी है जो इन्होंने उत्तर प्रदेश की छवि बनाया है, बीजेपी सरकार सिर्फ नाम बदलने में आगे रहा है। हमारे साथ में और भी कार्यकर्ता है, बुजुर्ग है, हम एक्सपीरियंस तो अगर लेना चाहेंगे। काका, नाम परिचय बताते हुए बताइए किस तरह से इंतजार हो रहा है आज? हेलो, आज किस तरह से इंतजार हो रहा है आपका अखिलेश जी का? अरे बहुत बेसब्री से सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। आपके बार किसकी सरकार? सपा की सरकार, अखिलेश यादव जी की। मोदी नहीं? नहीं। ये आप जान सकते हैं, हमारे पास नौजवान भी यहाँ खड़े हैं, और बड़े भैया कहाँ से हैं? निगोहा से। आप किस तरह से इंतजार कर रहे हैं? बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज इस साल में लहराना है, ये पूरी तरह से तैयार है। हमारे साथ काका खड़ा है, काका परिचय देते हुए बताइए आज अखिलेश जी आने वाले हैं, किस तरह की उनको संदेश देना चाहेंगे आप लोग? हम विधायक जी के सुरक्षा गार्ड। ठीक, ये आप समझ सकते हैं हमारे पास एकदम युवक है और आज इसी का शब्द बोलबाला है, क्योंकि समाजवादी का सबसे बड़ी ताकत स्टूडेंट है यार। स्टूडेंट हमारे साथ खड़ा है, हम समाजवादी के साथ सारे स्टूडेंट हैं। अखिलेश भैया, हम युवा बहुत परेशान हैं, ना नौकरी मिल रही है, ना कुछ रोजगार है, घूम रहे हैं सड़कों पे, और किसान आदमी तो परेशान है, इसी चक्कर से हमें इस बात परिवर्तन चाहिए। यानी कि नौजवान स्टूडेंट हमारे साथ में मौजूद है, हम आपको बताना चाहेंगे नौकरी के लिए भटक रहा है और योगी सरकार में नौकरी का नाम पे ठगा जा रहा है, यही इनका उद्देश्य है, यही उनका आवाज है। आप क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद। आने वाला जो चुनाव है 2022 का जो लहर है, क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव, अखिलेश भैया, ये पूरी लहर अखिलेश यादव जी का है। हमारे साथ में समाज सेवक बहुत बड़े है, आइए बड़े भैया परिचय देते हुए बताइए। मेरा प्रत्युष सिंह यादव। हाँ यादव जी, किस तरह से संदेश देना चाहेंगे आज? वंचित शोषित पीड़ित बेरोजगार नौजवान सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाराज है, क्योंकि अब नफरत की राजनीति फैलाने का काम कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव जी की सरकार अब की बनेगी, क्योंकि सारे युवाओं ने ठाना है, वंचित शोषित सब ठान चुके हैं कि अखिलेश सरकार को लाना है। यानी कि पूरी तरह से ठान लिए कि जी जी जरूर कमल खिलने नहीं देने वाले, वो खिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसने तो सिर्फ कई जगह पे बड़े बड़े काम तो किया है, कोई काम नहीं किया। कौन सा? क्योंकि इन्होंने तो इलाहाबाद को तो नाम चेंज किया है, नाम ही तो चेंज कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं वो? 108 नंबर एम्बुलेंस का भी तो नाम ही तो चेंज कर रहे हैं, कोई काम? ये आप समझ सकते हैं पूरी तरह से यानी कि यंग पीढ़ी बुजुर्ग सारा नाराज है मौजूदा सरकार से। आने वाली देखने वाली बात होगा 2022 किसका माथे ताज होगा। हमारे साथ बने रहिए JNI न्यूज के साथ, और कुछ ही समय बाद हम दिखाने वाले हैं समाजवादी पार्टी का हाई कमान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी जो आने वाली मुख्यमंत्री के चेहरा है, हम कुछ ही समय बाद आपके साथ दिखाने वाले हैं। और हमारे साथ बने रहिए, कुलदीप सिंह के साथ मैं हूं देव।